हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे। क्या देखना है? अगर हम लोग को पहाड़ा नहीं आता है, मतलब टेबल नहीं आता है, किसी का भी टेबल नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोग टेबल कैसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं 205 का टेबल, ठीक है, 205 इंटू इंटू मान लेते हैं 22, ठीक है, तो ना हम लोग को 205 का टेबल आता है, ना 22 का टेबल आता है, ठीक है, ना ही 2 का टेबल आता है, ना ही 5 का, ठीक है, तो इतना इक्वल टू कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 205 है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे, क्योंकि एक दो, ठीक है, दो लाइन इसलिए ये 2 है, ठीक है, अब 0 है, तो 0 मतलब एक भी नहीं, तो अब एक भी लाइन नहीं खींचेंगे तो अपने को पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को पता रहेगा कि ये 2 का है, ठीक है, अब 5, तो 5 लाइन खींचेंगे, ये देखिए 5 है, तो 5 लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, अब इसको इंटू किससे करना है, 22 से, ठीक है, तो फिर वैसे दो लाइन खींचेंगे, एक और ये दो, ठीक है, एक और है, तो अब नीचे एक और ये दो, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, इस साइड का लास्ट लाइन और इस साइड का लास्ट लाइन को अलग करना है, ये हो गया अलग, फिर इस साइड का सेकंड और इस साइड का सेकंड, ठीक है, तो देखिए ये लास्ट ये है, ठीक है, फिर इस लाइन में ये लास्ट बचा, ठीक है, तो इसको करेंगे ऐसे, ठीक है, फिर इस लाइन में लास्ट ये बचा, अब इस लाइन में ये बचा, ठीक है, इसको ऐसे, फिर इसको ये, ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, देखिए जितना इंटरसेक्ट कर रहा है सब पॉइंट को काउंट कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हुआ 10, 10 का 0 लिखेंगे, ठीक है, हाथ में कैरी 1 रहेगा, तो इस कैरी को इसमें ऐड कर देंगे, ये जो सेकंड वाला है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 1 हुआ, ठीक है, यहाँ 1 1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ, और ये 0 है तो इसलिए कुछ नहीं, तो 11 का फिर से 11 का 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, तो 11 का 1 लिखेंगे, कैरी 1, 1 हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 का है, तो 1 +2 3 4 5, तो 5, ठीक है, और ये 1 2 3 4, तो 4, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 0 1 5 4, ठीक है, तो 0 1 5 4, तो अगर हम लोग 205 को 22 से इंटू करते हैं तो इतना होता है। चलिए कर लेते हैं। चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लेते हैं अपने को करना है 223 को, ठीक है, 111 से, ठीक है, इनटू, तो कुछ नहीं करना है, फिर वैसे जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे, सबसे पहले 223 मतलब पहले यहाँ 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, फिर यहाँ 2 और लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है, अब करना क्या है, अब करना ये है 111 है, ठीक है, तो 1 1 1 लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो ये रहा 1 लाइन, ये रहा सेकेंड लाइन और ये रहा थर्ड लाइन, ठीक है, अब जैसे बताए थे इस साइड का लास्ट, इस साइड का लास्ट, ठीक है, तो ये लाइन बचा, ठीक है, अब इसमें लास्ट बचा ये, ठीक है, और
इस लाइन में लास्ट बचा ये, ठीक है, तो ये दोनों को खींचेंगे, देखिए इसको और इसको, क्योंकि लास्ट लास्ट यही दोनों बचे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये लास्ट बचा, इस लाइन में ये बचा और इस लाइन में ये बचा, ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट बचा और ये लास्ट बचा, ठीक है, तो अब ये दोनों को लेंगे, फिर बचा लास्ट ही, ठीक है। अब क्या करना, वही जो बताए थे, तो 1 2 3, तो 3 का 3, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, तो 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। फिर 1 2 3 4, तो 4 का 4। फिर 1 2, तो 2, ठीक है। अब अपना आंसर कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये 2 का 2, ठीक है, 4 का 4, फिर 7 का 7, ठीक है, फिर 5 का 5, और ये 3 का, तो 3। तो अपना आंसर आ जाएगा, अगर हम लोग 223 को अगर हम लोग 111 से इंटू करते हैं, तो अपना आंसर हो जाता है 24,753, ये अपना आंसर आता है। तो देखा आपने कैसे हम लोग बिना किसी टेबल याद किए हुए, ठीक है, बिना कोई दिमाग ख़राब किए हुए हम लोग कैसे कितना भी टेबल रहे बना सकते हैं। बस यही थोड़ा ट्रिक है, इसको थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग कोई भी टेबल आसानी से लिख सकते हैं, टेबल सॉरी कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिकल ट्रिक्स के लिए हम लोग लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।